है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे की, जिसमें दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में। एक तो है रो मेजर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल एरे क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में, एग्जांपल के साथ हमने देखा था। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसी भी रो मेजर रिप्रेजेंटेशन या कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन में, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस, तो वो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकालेंगे हम फार्मूले से, उसी पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और उससे पहले हम डिटेल उसका समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रो मेजर रिप्रेजेंटेशन की। रो मेजर रिप्रेजेंटेशन इन द गिवन टू डायमेंशनल एरे, कोई भी एरे आपका दिया हुआ है MN, ये आपका टू डायमेंशनल एरे, आपको पता है यहाँ पे टू सबस्क्रिप्ट है पहला और दूसरा, तो ये क्या हो जाता है, ये मैट्रिक्स सिंपली टू डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है M रो को और N रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा। सपोज कोई एक एलिमेंट आई जे लोकेशन पे है जिसका मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बी मीन्स बेस एड्रेस, और यहाँ पे आई आपका ये इंडेक्स है, ये वाले रो का इंडेक्स, माइनस एल आर होता है आपका जो लोअर लिमिट होते हैं टू डायमेंशनल एरे में रो का। यहाँ पे जैसे आप समझिए कि मैंने आपको दो तरीके से बताया था कि कोई आपका एरे है तो इस तरह से, जैसे फोर और फाइव है, इस तरह से एरे हो सकता है। सेम एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी इस तरह से आपको दिया जा सकता है, चलो 1 4 दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया 1 2 5, तो ए हो जाएगा आपका लोअर बाउंड और ए हो जाता है अपर बाउंड। इसी तरह से कॉलम में ए हो जाता है लोअर बाउंड, ए हो जाता है अपर बाउंड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ें आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर का जो वीडियो है हमारा टू डायमेंशनल एरे का, उसको जरूर देख के आइए, तो उसमें बहुत सारे फंडा आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे LR क्या रिप्रेजेंट करता है, रो में मीन्स इस रो में लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बाई n मतलब आपका यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम, जितने भी नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे, प्लस j माइनस j मीन्स यहाँ पे j इंडेक्स इसकी बात कर रहा है, j माइनस LC मतलब क्या है आपका लोअर लिमिट कॉलम, इस कॉलम का लोअर लिमिट क्या होगा। जैसे इस सिनेरियो में इसके लिए बात कर रहा है क्योंकि इसका लोअर लिमिट कॉलम का यही होगा, और टोटल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू मीन्स एलिमेंट की साइज। जैसे अगर सारे एलिमेंट इंटीजर है तो उसकी साइज कितनी होगी, 2 byte होगी, अगर आपका फ्लोट है तो 4 byte होगे, या तो फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको बाइट साइज दिया होगा कितने बाइट की साइज होगी। इसी तरीके से कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला है एड्रेस ऑफ ए आई जे, अगर कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, देन बी बेस एड्रेस प्लस आई माइनस LR सेम है जो यहाँ पे था, यहाँ पे जे माइनस LC मल्टीप्लाई बाई M आपका नंबर ऑफ रो है, यहाँ पे होल मल्टीप्लाई बाई W। समझ लेते हैं हर एक सिंबल को क्या मीनिंग है। I जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ चलते हैं हम, दोनों में I है आई जे, देखिए दोनों सिंबल लगभग दोनों में सेम ही है, इसलिए हम लोग एक साथ यहाँ पे उसको डिराइव कर दिया। क्या है I क्या है, रो ऑफ एलिमेंट टू फाउंड, जिस भी एलिमेंट को फाउंड करना है उसका रो बता रहा है यहाँ पे। J क्या है, कॉलम ऑफ एलिमेंट टू फाउंड, जिस एलिमेंट को फाउंड करना है उसका कॉलम बता रहा है। B क्या है, बेस एड्रेस मैंने बताया था आपका कि किसी भी एरे में टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल जो भी हो, उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वही उसको बेस एड्रेस लेके चलते हैं हम। और W क्या है, साइज ऑफ एलिमेंट, जो भी यहाँ पे W है साइज ऑफ एलिमेंट, जो भी इंटीजर या फ्लोट है तो उस बेस पे उसका कुछ बाइट में साइज होगा, उसी बात कर रहा है। LR लोअर बाउंड ऑफ रो, लोअर बाउंड ऑफ रो, इफ नॉट गिवेन एज्यूम 0, अगर किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रॉब्लम में आपको लोअर बाउंड दिया है तब तो हम ले लेंगे, अदरवाइज नहीं दिया है तो एज्यूम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे हम। ऐसे ही लोअर बाउंड कॉलम LC लोअर बाउंड कॉलम, अगर ये भी दिया नहीं है तो क्या एज्यूम करके चलेंगे हम, 0 एज्यूम करके चलेंगे। M और N क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ रो और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसी बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक, और डिटेल में समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और उसको हम आंसर वेरीफाई भी करेंगे, आपको वेरीफाई करके देख लेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, गिवन मैट्रिक्स A4 5, मतलब A4 5 दिया हुआ है, तो अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं A मैट्रिक्स 4 5 है,
मतलब कि m इक्वल टू कितना है 4, और m इक्वल टू कितना है 4, n इक्वल टू कितना है 5। बेस एड्रेस 1020 दिया हुआ है, मतलब स्मॉल बी दिया हुआ है 1020। साइज ऑफ एलिमेंट, जो साइज ऑफ एलिमेंट w है वो दिया हुआ है 2 बाइट, ठीक है। और मुझे फाउंड क्या करना है, ए 3 4 का एड्रेस, ठीक है। ये आपका आई हो जाएगा, ए जे हो जाएगा। अब दो तरीके से फाउंड आउट कर सकते हैं, ये रो मेजर और दूसरा कॉलम मेजर। सबसे पहले हम चलते हैं रो मेजर में, पहले हम निकालते हैं रो मेजर। फार्मूला देखिए क्या है, फार्मूला क्या है, एड्रेस ऑफ ए आई जे, चलिए आप लिख लीजिए, चलिए एड्रेस ऑफ ए आई जे मतलब 3 4, 3 4 का ही पूछ रहा है ना, 3 4 ए हो जाएगा आई, ए हो जाएगा जे, इज इक्वल टू बी। बी मीन्स बेस एड्रेस, बेस एड्रेस कितना है 1020 प्लस ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट आई माइनस एल आर, आई की वैल्यू कितनी देखिए 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, माइनस एल आर देखिए, एल आर यहाँ पे लोअर लिमिट, अगर यहाँ पे हम देखें तो लोअर लिमिट कुछ नहीं दे रखा है, जब लोअर लिमिट नहीं देखा है दिया है तो हम लेके चलेंगे क्या 0 लेके चलेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई इसको करा एन, एन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5, प्लस जे माइनस एल सी, जे मीन्स आपको जे यहाँ दिया हुआ है 4, माइनस एल सी अगेन नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट कॉलम का नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे 0, एंड होल मल्टीप्लाई बाई डब्लू, डब्लू मीन्स साइज, कितनी साइज है 2 बाइट की, कर लीजिए सॉल्व, 1020 प्लस 3 माइनस 0 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1020 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1020 प्लस 38 इक्वल टू 1058। ये आ गया किसके, रो मेजर का आंसर आ गया, ठीक है। अब रो मेजर का आंसर आ गया, इसी तरह से कॉलम मेजर, मतलब ध्यान दीजिए कि अगर इसी को जो यहाँ पे दिया हुआ मैट्रिक्स, इसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, देखिए यहाँ पे जब लोअर ऑर्डर नहीं दिया है तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं 0 0, मतलब 0 1 2 3 इस तरह से रो में आ जाएगा, तो 0 1 2 3 कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए, ये 4 कॉलम हो गया। ऐसे 5 के लिए 0 1 2 3 4 कितने कॉलम हो गए, 5 कॉलम हो गए यहाँ पे, तो 4 बाई 5 का आपका मैट्रिक्स बन गया। लोकेशन क्या हो जाएगा, A00 A01 A02, ऐसे सारा लोकेशन हम फिल कर लेंगे, मैट्रिक्स आप बेटर पता होगा आपको मैट्रिक्स में कैसे हम करते हैं लोकेशन। अगर हम जो फाइंड करना था, मुझे क्या फाइंड करना था, A34, तो A34 3 और 4, A34 ये लोकेशन है, मतलब इसका एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना था जो हमने रो मेजर ऑर्डर से निकाल लिया 1058, ठीक है। रो मेजर जनरली कैसे होता था, रो मेजर मतलब कि सबसे पहले इस एलिमेंट को टोटल मेमोरी मिलेगा, इसके बाद दूसरे रो को, इसके बाद तीसरे रो को, इसके बाद चौथे रो को। तो अगर हम वेरीफाई भी करना चाहें तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1020 मतलब 1020 से स्टार्ट हो रहा है, 2 बाइट ले लिया, फिर ये 2 बाइट लेगा कितना हो जाएगा 2 22, यहाँ पे 24, यहाँ पे 26, ऐसे अगर बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे तो रो वाइज अगर चलते जाते हैं तो यहाँ पे 1058 ही पहुँचेंगे ऐसे भी, और फार्मूले से मेरा कितना आ गया 1058। अगर हम इसी को कॉलम मेजर में निकाल लें तो कॉलम मेजर कैसे हो जाएगा, देख लीजिए कॉलम मेजर में फार्मूला थोड़ा चेंज है, तो क्या हो जाएगा, A34 इक्वल टू 1020 प्लस बेस एड्रेस है, यहाँ पे फार्मूला हम देखिएगा बेस एड्रेस है, प्लस आई माइनस एल आर, आई की वैल्यू कितनी है, ए आपका आई है, ए आपका जे है, 3 माइनस 0 प्लस जे, जे मीन्स क्या है आपका 4, 4 माइनस एल आर तो 0 ही है, मल्टीप्लाई बाई एम, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रो, एम की वैल्यू देखिए यहाँ फार्मूला में एम है मीन्स रो, रो कितना है 4, ठीक है, और होल मल्टीप्लाई बाई 2, 2 क्या है आपका साइज, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1020 प्लस 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1020 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1020 प्लस 38 इक्वल टू 1058।
तो यहाँ पे भी कॉलम मेजर ऑर्डर में भी कितना आ गया एड्रेस 1058। तो अगर हम इस प्रॉब्लम के लिए देखें, इस लोकेशन के लिए, तो रो मेजर में भी 1058 आ रहा है, कॉलम मेजर में भी कितना रहा 1058 आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में दोनों हमेशा सेम आएगा, अलग अलग लोकेशन के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपको डिफरेंशिएशन शो करने के लिए, हम सपोज करो हम इस लोकेशन का, इस एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है मुझे, तो कैसे निकलेगा प्रॉब्लम में, थोड़ा सा हम अपडेट चेंज कर रहे हैं आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले रो मेजर में हम देखेंगे, अगर रो मेजर में हम देख रहे हैं तो इसका लोकेशन क्या है, इसका 2 2 2 2 2 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सारे एलिमेंट के साथ उसके पार्टिकुलर जो उसका इंडेक्स है। तो एड्रेस ऑफ ए 2 2 मुझे ए निकालना है, इसका एड्रेस निकालना है। देखिए इसका, इसी का एड्रेस हम रो मेजर में कॉलम मेजर में दोनों निकालेंगे, देखते हैं डिफरेंस आता है सेम आता है, आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कैसे हो रहा है। बेस एड्रेस मतलब 1020 प्लस आई और जे, यहाँ पे इंडेक्स है आई माइनस, मतलब आई 2-0 मल्टीप्लाई बाई एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 5 है, 5 प्लस जे माइनस 0, जे जे की वैल्यू कितनी है 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2, निकाल लीजिए 1020 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1020 प्लस 24 इक्वल टू 1024। तो इसका एड्रेस कितना आ जाएगा रो वाइज में 1044। ऐसे जब अगर हम कॉलम मेजर देखें, तो कॉलम मेजर में अगर हम कैलकुलेट करें तो फार्मूला आपका ए वाला फार्मूला लगेगा, कर लीजिए ए 2 2 इक्वल टू यहाँ पे आई और जे हो जाएगा ये 1020 प्लस 2-0 प्लस 2-0 मल्टीप्लाई बाई एम मीन्स 4 होल मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1020 प्लस 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1040। देखिए अब यहाँ पे इसी लोकेशन का, सेम लोकेशन का अगर हम रो वाइज ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो एड्रेस कितना आया 1044, अगर कॉलम वाइज ऑर्डरिंग कर रहे हैं लोकेशन कितना आया 1040। समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से इसको, क्योंकि रो वाइज में हमने क्या किया, हम पहले जो मेमोरी होगा वहाँ पे पहले इस रो को अरेंज करेंगे, जस्ट उसके बाद सेकेंड रो को, फिर थर्ड रो को, फिर फोर्थ रो को। और कॉलम वाइज मेजर में क्या, कॉलम मेजर में क्या करते हैं, हम पहले इस कॉलम को अरेंज करेंगे, उसके बाद सेकेंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को, इस तरह से पूरी एक हम लीनियर वन डायमेंशनल अरे टाइप में ही उसको हम अरेंज कर लेंगे मेमोरी में। अब वेरीफाई करते हैं इसका आंसर, सपोज कीजिए कि इसका आंसर क्या था 1020, यहां से स्टार्ट कितना हुआ, स्टार्टिंग था इसका जो बेस एड्रेस है 1020, इसका कितना हो जाएगा 1022, इसका कितना हो जाएगा 1024, इसका कितना हो जाएगा 1026, क्योंकि हर एलिमेंट 2 बाइट लेगा, इंटीजर है, हर इंटीजर है तो कितना, और यहाँ पे 2 दिया भी है एग्जांपल में, 2 बाइट लेगा तो इसका कितना हो जाएगा 1028, इसी तरह से 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 और 44, 1044। देखिए 1044 आ गया ना रो मेजर में, 1044 रो मेजर में फार्मूले से भी आया है। अब अगर कॉलम मेजर में देखें, कॉलम मेजर में देखिए तो कॉलम मेजर में स्टार्ट तो ही होगा इसका बेस एड्रेस, लेकिन 1020 के बाद इसका एड्रेस हो जाएगा 1022, इसका हो जाएगा 24, इसका 226, इसका 28, 30, 32, 34, 36, 38, इसका कितना आ जाएगा 1040। देखिए इस लिमिट का कितना आ गया 1040। तो रो और कॉलम मेजर में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं और कैसे इसके मेमोरी एड्रेस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो होप सो बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा रो मेजर कैलकुलेशन और
कॉलम मेजर में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो प्रॉब्लम को और लेंगे और उसको कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट का हम एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।